हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनूप। दोस्तों, आज बॉबी देओल का 51st बर्थडे है और मैं हूँ इस वक्त बॉबी देओल के सबसे बड़े फैन, सबसे बड़े एडमायरर, मेरे वाइज मैन बॉबी जी। आइए उनसे बात करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं बॉबी देओल का बर्थडे। बॉबी जी, सबसे पहली बात तो बॉबी देओल को कैसा विश करना चाहेंगे आप? वेरी हैप्पी बर्थडे टू बॉबी देओल। मे गॉड ब्लेस हिम। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में आए, जैसे उनकी पहली फिल्म बरसात 5 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी, मेट्रो में प्रीमियर हुआ था उसका। मेट्रो में और बॉबी देओल जी के टांग में कुछ लगा था, वो फ्रैक्चर था, तो क्रचेस लेकर आए थे प्रीमियर में, मुझे अभी भी याद है बहुत। सबसे बड़ी बात कि उस दिन बारिश गिरी थी, अक्टूबर सीजन में बारिश गिरी थी। ओके, बरसात के दिन बरसात फोर्थ को उसका प्रीमियर था, तो बॉबी देओल आए थे ब्लैक सूट डाल के, तो गाड़ी में क्रचेस लेके आए थे। ओके, तो मैंने उनकी सब फिल्में देखी उनकी। मैं पूरी देओल फैमिली का फ़ैन हूँ, धर्म जियो, सनी, बॉबी, अभय, उनकी आने वाली जो जनरेशन है, आर्यमन देओल, उनका छोटा भाई धर्म देओल, करण देओल तो है, उनके दूसरे भाई राजवीर देओल, सबका फ़ैन हूँ मैं। तो आपको तो पूरा फैमिली ड्रीम मालूम है। पूरा फैमिली का फ़ैन हूँ मैं। ओके 51st बर्थडे है उनका। हम उनके सबसे पहले फिल्म बरसात के बारे में बात करते हैं, कहाँ देखा था आपने और कैसा रिस्पॉन्स मिला था उनका फिल्म को? बरसात मैंने गेटी में देखा था, और गेटी अब विश्वास नहीं करो, उस बॉम्बे का कलेक्शन था 100%, फुल वीक का कलेक्शन 100% था बरसात का। सब जगह हाउसफुल थी बरसात। ओके, और जब वो एंट्री किए थे, एंट्री मारे थे, याद है आपको वो सीन? हाँ, मुझे याद है, जंग वो फर्स्ट सीन उनका घोड़ी के ऊपर था। ओके, और जो शेर को पकड़ता ना, वो सीन तो घोड़ी पे उनका एंट्री था, लंबे बाल थे, पब्लिक ने बहुत सीटियाँ बजाई थी, कितने पैसे भी फेंके थे गेटी कलेक्शन में। फर्स्ट डे 5 अक्टूबर को रिलीज हुई थी पिक्चर। ओके, और उसके बाद उनकी फिल्म आई थी क्या, करीब आई थी ना? उनके बाद और प्यार हो गया था, उसके बाद सेकंड फिल्म शायद करीब गया। हाँ। और प्यार हो गया था 15 अगस्त को आई थी। ओके, फिर करीब आई थी 3 जुलाई को। अच्छा, फिर उसके बाद ना सेकंड फिल्म वॉज गुप्त, मतलब बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ हिज करियर। ओके, गुप्त आई थी। ओके, जो यहाँ पर रिलीज हुई थी, मैंने देखी थी वो अरोरा थिएटर में देखी थी। क्या बात कर रहे, गेटी में नहीं हुई थी? गैलेक्सी में रिलीज नहीं हुई थी। ओके, तो वहाँ तो उसको बहुत बड़ा ओपनिंग मिला था गुप्त को, और मतलब वो जो दुनिया हसीनों का मिला, वो गाने में बहुत बड़े स्टार बन गए थे बॉबी देओल। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बिच्छू, और प्यार हो गया, करीब, बहुत सारी फिल्में आई। Okay. मतलब बरसात से लेके हाउसफुल 4 तक मैंने उनकी सभी फिल्में थिएटर में देखी है। सोल्जर मतलब सब देखी। सोल्जर तो अभी तक याद है, डायलॉग्स भी याद है मुझे अभी तक। एक बताइए, जैसे वो बोला था ना मैंने, वो बेटा ही क्या जो अपने बाप को चैन की नींद ना सुलाए, और जिसे सुरेश अवेरे गोली मारते हैं, दैट वाज सुपर्ब। द टर्निंग पॉइंट दैट सीन मेड सोल्जर द वन ऑफ अमंग द टॉप 5 सस्पेंस फिल्म ऑफ बॉलीवुड। दैट सीन बोला बेटा है कि अपने बाप को चैन की नींद ना सुलाए, ये शूट सुरेश ओबेरॉय, और वहाँ पे पूरा पिक्चर टर्न होता है। Okay. तो बहुत सीटियाँ बजी थी वो डायलॉग पे। ओके, ऑलराइट। तो अभी आप इंतजार कर रहे हैं बॉबी देओल के बेटे के डेब्यू का? आर्यमन देओल इज 17 ईयर्स ओल्ड, अभी 18 ईयर्स ओल्ड, तो आई थिंक उनकी जो पहली फिल्म आएगी, जितने भी स्टार किड्स हैं ना, उसमें आर्यमन देओल एंड वन शाहरुख खान सन एंड अक्षय कुमार सन, दिस 3 आर गोइंग टू स्टॉर्म द बॉलीवुड। ओहो, क्या बात है। चलिए, जाने से पहले एक विश हो जाए आपकी तरफ से। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू द एक्शन मैन बॉबी देओल, मे गॉड ब्लेस हिम। और मैं विश करता हूँ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में आए और सुपरहिट हो बॉक्स ऑफिस पर। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, चलिए, जाने से पहले अगर आपको बॉबी देओल से मुलाकात होती है, आपकी कभी हुआ है आपका बॉबी देओल? मैं बॉबी देओल से बहुत बार मिला हूँ। अरे, क्या बात कर रहे हो, इतनी बार मिला हूँ कि जब वो हीरो भी नहीं थे तब भी मैंने उनका ऑटोग्राफ था, तो बरसात तो जस्ट फ्लोर पे ही गई थी। ओके, तो ही वॉज, तो मैंने बहुत बार देखा। फिर मैंने बोला, सर आप धर्म जी के बेटे, आपका नाम बॉबी देओल? हाँ, मुझे कैसे पूछा, मतलब मैं आप सनी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप उनके भाई हो। फिर उनका ऑटोग्राफ बहुत बार लिया मैंने, उनको बहुत बार मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हीरो बनने से पहले उनको बहुत बार मिला मैं। ओके, चलिए, आज अगर वो आपको मिल जाते हैं तो एक ऐसे सवाल क्या पूछना चाहेंगे आप उनसे? मैं यही बोलूँगा कि आर्यमन देओल कब लॉन्च हो रहा है, जब लड़कियाँ रुकी हुई है आर्यमन का डेब्यू करने के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच बॉबी जी। हियर इज विशिंग बॉबी देओल वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड दिस इज सोनूप साइनिंग ऑफ। बाय बाय।